हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो, ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप जो है आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिवा आप प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज अगर होती है, किसी लैंग्वेज को अगर हमको सीखना है तो उसका ग्रामर हमें आना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसा समझ के चलिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो अब हम जावा देख रहे हैं उसका ये ग्रामर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमें जो देखना है वो देखना है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कॉन्स्टेंट एंड इट्स टाइप्स। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब वो वैल्यू जो भी हम यूज करने वाले हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की बात करूँ तो सबसे पहला कांस्टेंट आता है, फिर इंटीजर कांस्टेंट, फिर आता है रियल कांस्टेंट, फिर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये होते हैं कांस्टेंट के चार टाइप, ठीक है। तो आइए इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करूँ तो इंटीजर मीन्स ऐसा नंबर, ऐसा सिक्वेंस ऑफ डिजिट जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर जो रहेंगे, अब जैसे कि नंबर सिस्टम के हिसाब से हमें पता है कि जो भी नंबर होते हैं वो डेसिमल होते हैं, या तो ऑक्टल होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं, या तो बाइनरी होते हैं, ठीक है। अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूँ तो डेसिमल नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 9। मतलब इनमें जो डिजिट यूज हो गए डेसिमल नंबर में वो 0 to 9 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। जैसा फिर इसका अगर एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि 1 to 3, -25, 0, इन सारे नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर डेसिमल इंटीजर। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमने डेसिमल पॉइंट दिया नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑक्टल नंबर, ऑक्टल मतलब जैसे कि 8, ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा ये जो ऑक्टल इंटीजर रहेगा ये 8 नंबरों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मीन्स 0 to 7 के बीच में जो नंबर रहेंगे वो इनमें यूज होंगे। मतलब ऑक्टल नंबर में आप 8 या 9 को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डेसिमल नंबर में आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होते हैं, 0 to 7 के बीच में ही ये कॉम्बिनेशन होगा, इस वजह से हम इसे कहते हैं ऑक्टल इंटीजर। लेकिन इसे लिखने का जो तरीका है, ठीक है, अगर हम जावा में लिखते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होगा 0, उसके बाद ये नंबर हमें लिखना होता है। तो 0 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज ऑक्टल नंबर, या फिर 0 या फिर 0 4 3 2, दीज आर द ऑक्टल इंटीजर्स। फिर बात करेंगे हम हेक्साडेसिमल इंटीजर की। हेक्साडेसिमल में ही आता है कि हेक्सा मतलब जैसे कि 6, डेसिमल मतलब 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा हेक्साडेसिमल इंटीजर का, 0 to 9 तक इसमें नंबर रहेंगे और A to F में रहेंगे, ये कैरेक्टर हमें यूज करना होगा। या तो आप कैपिटल A to F यूज कर सकते हो या तो स्मॉल A to F यूज कर सकते हो, मतलब ABCD up to F। मतलब 0 to 9 आपका नंबर तो यूज होगा ही होगा, फिर बाद में जब 10 हमें लिखना होगा तो हमें A लिखना होगा, फिर 11 के लिए B, फिर 12 के लिए C, ठीक है, ऐसा करते करते हमें वो शुरुआत करना होगा, ठीक है। तो इन्हें भी एक लिखने का तरीका है कि अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो मुझे उस नंबर के पहले लिखना होगा 0x, तो जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, या फिर 0x9f, या फिर 0x abc, ठीक है। सो ये आ जाते हैं हमारे इंटीजर कांस्टेंट में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट मींस सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट, और वी कैन से व्हिच कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है या तो डेसिमल पॉइंट होते हैं। मीन्स देखिए कि जैसे कि 0.25, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, -0.112, या फिर हम कहेंगे 3.1 पर। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है रियल कॉन्स्टेंट के। तो रियल कांस्टेंट को लिखने का और एक तरीका है हमारे पास, जैसे कि हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इनमें क्या करना होता है हमें कि सपोज ये मेरे पास नंबर है 215.65, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.15655E2। सो दिस इज बी कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपको E2 दिखाई दे रहा है, इस E2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2। मतलब E के बाद में जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम कहेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power O वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। इसे डिटेल में समझते हैं हम।
जैसे कि 2.1565 E2, तो E के पहले वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे मैंटिसा, ठीक है, और E के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज 6500, अब आप कहोगे सर ये रियल कांस्टेंट कैसे हो गया, इसमें तो डेसिमल पॉइंट है नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन इधर लिखा है 0.65 E4, तो इस पार्ट में जो है मैंटिसा वाला पार्ट कौन सा हमारा, इसके हिसाब से अगर देखे तो 0.65, और एक्सपोनेंट वाला पार्ट कौन सा है हमारा 4, मतलब 0.65 × 10⁴ अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट आंसर 6500। सिमिलरली अगर 0.12 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, मैंटिसा वाले पार्ट में 12 और एक्सपोनेंट वाले पार्ट में लिख सकता हूँ मैं -2, तो ये क्या बन जाएगा 12E-2, मतलब 12 × 10⁻²। इसका कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट 0.12। तो इसके भी कुछ रूल ऐसे होते हैं कि ये जो मैंटिसा रहेगा इसमें आप डेसिमल पॉइंट रख सकते हो बट एक्सपोनेंट में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। मैंटिसा और एक्सपोनेंट दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट जो रहेगा वो आपको इंटीजर ही लेना होगा, मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट ही आपको ये लेना होगा। फिर देखते हैं हम सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। अब कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल कैरेक्टर मतलब क्या कि वही सिंगल डिजिट या फिर सिंगल अल्फाबेट और एनी सिंगल स्पेशल सिंबल जो कि हमने सिंगल कोटेशन में लिखा होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर 3 लिखा है, सिंगल कोटेशन के अंदर x लिखा है, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने सेमी कोलन लिखा है, सिंगल कोटेशन के बीच में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसको हम कहेंगे वाइट स्पेस या फिर स्पेस, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए। सिंगल कोटेशन के बीच में आप जो भी लिखोगे लेकिन कंडीशन ये है कि वो सिर्फ सिंगल होना चाहिए, या तो वो सिंगल डिजिट हो सकता है, या तो सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, या तो सिंगल स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है कि सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ 3 और विदाउट सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ 3, तो ये हमारे लिए हो गया कैरेक्टर और ये हो गया हमारे लिए इंटीजर नंबर, तो ये दोनों भी जो है ये सेम नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की। अब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग मीन्स सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो या सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, कंडीशन ये है कि वो डबल कोटेशन में लिखे होने चाहिए, तब हम उसे कहेंगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है ये चीज, ठीक है। जैसे कि वॉट एवर रिटर्न इन साइड द डबल कोटेशन विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, ठीक है ना। डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख दो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। मतलब देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन में मैंने लिखा है विजय, तो ये मेरे लिए स्ट्रिंग हो गई। ये सिंगल कैरेक्टर भी, ये सिंगल डिजिट भी मैंने जो है डबल कोटेशन में लिखा है, तो ये अभी मेरे लिए इंटीजर नहीं है, ये मेरे लिए स्ट्रिंग है। सिमिलरली वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, अगेन दिस इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सो डबल कोटेशन में लिखा है तो ये स्ट्रिंग हो गई। अगर मैं इसको भी प्रिंट करना चाहूँ तो ये 5+2 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग, इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो ये पार्ट एज इट इज जो है अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मुझे ऐसा डबल कोटेशन में से लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं कोई अल्फाबेट को भी डबल कोटेशन के अंदर अगर लिखता हूँ तो मेरे लिए कैरेक्टर नहीं लेकिन स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमने देखा कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या, तो ये वेरिएबल जो होते हैं एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट के अपोजिट होते हैं। मतलब कॉन्स्टेंट के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, बट वेरिएबल्स के लिए एग्जैक्ट अपोजिट होगा कि वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू मे बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल होते ही इसलिए है कि ताकि हम उसकी वैल्यू जो है वो बीच बीच में चेंज कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे चेंज कर सके, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इट डिनोट्स द स्टोरेज लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू, क्योंकि बहुत इनपुट ऐसे होते हैं बहुत बार ऐसे इनपुट होते हैं कि जो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी वैल्यूज हम यूज करने वाले हैं या यूजर क्या इंटर करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब जो मेन यूज है वो यही है कि वो इनडायरेक्टली एक मेमोरी लोकेशन का लॉजिकल नेम है। मतलब जहाँ पे भी हमारा वेरिएबल, जहाँ पे भी हमें वैल्यू स्टोर करना है तो उसका एक लॉजिकल नेम होता है, ठीक है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं।
So it denotes the storage location used to store data value. उसे हम कहेंगे variable. Example जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा मैंने integer age comma marks. तो age और marks क्या है? These are the identifiers. ये user defined नाम हमने दिया है. ठीक है. लेकिन ये जो है एक तरह से क्या है? These are the logical names given to the storage location. इनका एक storage location होगा. इनका एक address होगा memory में. ठीक है. तो ये उनका logical name है. और एज की वैल्यू फिलहाल हमने कुछ नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है वैल्यू चेंज होती रहे, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? वेरिएबल. या फिर देखिए फ्लोट, एवरेज, प्राइस, तो ये भी क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स. अब रूल्स क्या क्या है वेरिएबल लिखने के लिए? तो सबसे पहला रूल तो यही है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट भी हो गए, अंडरस्कोर और डॉलर, बस यही दो स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्कोर और डॉलर दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स. इनके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय यूज नहीं कर सकते. ठीक है. बाकी आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल इज कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा. दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट. तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल. थर्ड रूल इज अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब क्या? हम कहेंगे कि यहाँ पर मैंने ये नाम लिखा है विजय, पूरा कैपिटल में है, और यहाँ पर जो विजय लिखा है ये मिक्स कैपिटल में, मिक्स केस में है. तो ये दोनों जो है ये सेम नहीं है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कोई वेरिएबल ऐसा देता हूँ कि जिनका जो कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर अपर केस में, कुछ लोअर केस में, लेकिन नाम सेम है, तो वो जावा के हिसाब से वो अलग अलग रहेंगे. ठीक है. दे आर यूनिक, दे आर डिस्टिंक्ट. फिर आता है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए. मतलब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इंटीजर कैर, क्योंकि कैर क्या है? इट इज अ कीवर्ड. तो कोई भी कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो. एंड द लास्ट रूल इज वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड. मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आप दे रहे हो तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी. व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड. ठीक है. ऊपर तो हमने बोला ही था कि अंडरस्कोर और डॉलर ही हम सब यूज कर सकते हैं, इनके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे. तो व्हाइट स्पेस भी क्या है? एक तरह की स्पेशल कैरेक्टर ही है. सो दीज आर द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल. अब देखते हैं इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स. ठीक है दोस्तों, डेटा जो हम यूज करने वाले हैं तो हमें हर बार प्रोग्राम को, हर बार कंपाइलर को हमें बताना है कि हम कौन से टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं. इसलिए ये होते हैं डेटा टाइप. सबसे पहले तो एवरी वेरिएबल इन जावा हैज अ डेटा टाइप. तो जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करने वाले हो विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं कर सकते. आपको हर बार डेटा टाइप देना ही है. नेक्स्ट इज इट्स मेन यूज इज टू स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड. क्योंकि अभी हमने जो कांस्टेंट देखे हैं वहां पे हमने देखा है कि हमारे पास रियल कांस्टेंट भी है, कैरेक्टर कांस्टेंट भी है, या फिर हम कहेंगे हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है. तो अगर इनको हमें यूज करना है तो हमें कंपाइलर को बताना होगा कि भाई हम इस टाइप की वैल्यू या हमको इतनी इतनी साइज लगने वाली है. ठीक है ना. वो हिसाब से जो है इनका यूज रहेगा डेटा टाइप्स का. तो डेटा टाइप्स के दो टाइप होते हैं फिर. एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप. अब प्रिमेटिव मतलब जैसे कि इनबिल्ट जो डेटा टाइप रहेगा, जो बेसिक रहेगा, इंट्रेंसिक रहेगा. ठीक है. मतलब जो बाय डिफॉल्ट उस कंपाइलर के साथ में आएगी ही आएगी. ठीक है. तो उसे हम कहेंगे प्रिमेटिव और इंट्रेंसिक और बिल्ट इन डेटा टाइप. डिराइव्ड या रेफरेंस डेटा टाइप जो रहेगा ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये प्रिमेटिव से बने हुए होते हैं. क्लासेस हो गया, इंटरफेस हो गया और एरेज हो गया. तो ये तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ठीक है. हमारा आज के वीडियो का जो प्राइमरी एम है वो हमें सिर्फ यही पढ़ना है, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही पढ़ने हैं. ठीक है. तो चलिए डेटा टाइप्स को भी हम देख लेते हैं डिटेल में. सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर टाइप्स. तो इंटीजर टाइप का डेटा जैसे कि हमने इंटीजर कॉन्स्टेंट देखा है, बस उसी से रिलेटेड है. लेकिन यहाँ पे जो है हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करना है इनके लिए. सो इंटीजर टाइप मीन्स नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये हमें पता ही है. एग्जाम्पल की बात करूँ मैं 123-45 123L, दिस L इंडिकेट्स लॉन्ग. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक डेटा टाइप है हमारे पास, एक्सेट्रा.
यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंटीजर के हमारे पास फिर चार टाइप होते हैं। एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, फिर होता है आईएनटी और फिर होता है लॉन्ग। सो ये कीवर्ड्स भी है, ठीक है, लेकिन ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? इंटीजर टाइप के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एक ही चीज का डिफरेंस है और वो है साइज का। मतलब सपोज आपको ऐसा डेटा यूज करना है जिसको आपको मिनिमम 1 byte लगने वाला है, ठीक है, मतलब 1 byte ही यूज होने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आप जो है बाइट का यूज कर सकते हो, क्योंकि जितने कम साइज का डेटा टाइप होगा उतना आपका प्रोग्राम फास्ट रन होगा, ठीक है, उतना वो फास्टली प्रोसेसिंग होगा। और जितना ज्यादा बड़ा डेटा टाइप होगा, मतलब जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका जो स्पीड रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बाइट का यूज करता हूँ तो मुझे साइज कितनी लगेंगी? सिर्फ 1 byte। अगर मैं शॉर्ट का यूज करता हूँ देन 2 bytes, ठीक है। अगर मैं आईएनटी का यूज करता हूँ तो मुझे 4 bytes लगेंगे। अगर मैं लॉन्ग का यूज करता हूँ तो 8 bytes। और देखिए इनके हिसाब से फिर इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है? मतलब अगर आप बाइट यूज कर रहे हो तो आप जो वैल्यू यूज करोगे -128 to 127, इस रेंज में जो वैल्यूज आ रही है बस आप वही वैल्यू इसमें यूज कर पाओगे, इसमें आप स्टोर कर पाओगे। इससे ज्यादा अगर वैल्यू, इससे ज्यादा अगर आपको डेटा चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपका नंबर है, ठीक है, सपोज वो अगर इस रेंज में आता है -32768 to 32767, इसके बीच में अगर आपको आपके नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन आपको फिर बाइट का यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो वेरिएबल रहेगा वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा, इस वैल्यू को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसे समय पे आपको फिर शॉर्ट का यूज करना है। इससे भी ज्यादा अगर आपकी वैल्यू है तो बेटर वे यू कैन यूज इंटीजर, क्योंकि ये 4 bytes यूज करता है। 4 bytes मतलब कितने हो गए? 32 bits। तो ये देखो ये बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, इनके बीच में आप जो नंबर है वो यूज कर सकते हो। या फिर अगर इससे भी अगर आपसे ज्यादा डेटा है, इससे भी ज्यादा अगर आपका वैल्यूज आपको यूज करना है, सो यू कैन यूज लॉन्ग जो कि होता है 8 bytes। और ये जो रेंज है ये बहुत बड़ी रेंज है। सो अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हम लिखते थे इंटीजर ए कॉमा बी, तो यहाँ पे अगर आपको बाइट डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे लिखना होगा बाइट ए कॉमा बी। मतलब यहाँ पे मैंने 2 variables डिक्लेयर कर दिए, ए और बी, किस टाइप के? बाइट टाइप के। लेकिन ये इनका लिमिटेशन क्या है? ये वैल्यू सिर्फ इस रेंज के बीच में ही स्टोर कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको शॉर्ट यूज करना है तो आपको लिखना है शॉर्ट ए कॉमा बी। अगर आपको 4 byte का यूज करना है आप लिख सकते हो INT, जो हम C++ में करते आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इससे भी ज्यादा आपको आपकी रेंज है तो आप लॉन्ग का भी यूज कर सकते हो, तो लॉन्ग ए कॉमा बी। तो ऐसे तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो इंटीजर टाइप के वेरिएबल। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा है रियल टाइप की वैल्यू, जिसमें क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे कि 25.34 - 2.23। अब ऐसी वैल्यूज अगर मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो मुझे ऐसी टाइप का डेटा टाइप भी मेरे पास होना चाहिए। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा टाइप है, एक है फ्लोट और एक है डबल। दोनों का डिफरेंस अगेन वही साइज का डिफरेंस है। फ्लोट कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? 4 bytes तक। और डबल किस साइज तक करेगा? 8 bytes तक, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू देख 3.4e - 038, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी? 3.4e + 038। इसका मतलब क्या हो गया? 3.4 × 10⁻³⁸, और ये क्या हो जाएगा? 3.4 × 10⁻³⁸। इस रेंज के बीच में वो वैल्यू जाएंगे। इसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम? फ्लोट ए कॉमा बी। सिमिलरली इसकी रेंज इससे ज्यादा ही होगी, तो ये देखिए ये रेंज है डबल की। तो अगेन ये सारी चीजें जो आपको यूज करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टर टाइप। अब कैरेक्टर टाइप क्या होगा? जो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सो इन जावा व्हेन वी वांट टू स्टोर अ कैरेक्टर देन वी कैन यूज कैर। तब हम क्या यूज कर सकते हैं? कैर का यूज कर सकते हैं। अब कैर क्या है? इट इज अ डेटा टाइप। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कैर CH1, CH2 = A। तो ये हो गया इसका डिक्लेरेशन, मतलब 2 variables हो गए यहाँ पर CH1, CH2, और दोनों का टाइप कौन सा है? कैरेक्टर। तो जावा जो रहेगा इट विल यूज यूनिकोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। अब यूनिकोड मतलब क्या? तो जितने भी लैंग्वेज, जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है
उसमें जितना भी कैरेक्टर सेट होंगे वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी लैंग्वेज रहे तो उसमें जो जो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, इसलिए हम उसे कहते हैं यूनिकोड। और इनका जो साइज रहेगा, मतलब एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, एक कैरेक्टर की साइज रहेगी 16 byte, मतलब 2 bytes। तो जब भी हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे वो कितने बाइट लेगा, 2 byte लेगा स्टोरेज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कैरेक्टर की रेंज क्या रहेगी, 0 to 65,536, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो कैरेक्टर रहेंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे, इसलिए इसकी रेंज जो ये 0 to 65,536 है। और ये नया डेटा टाइप है जो सी और सी प्लस प्लस में नहीं है, बुलियन। सो बुलियन मतलब क्या है, इट कैन स्टोर ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। इसके जो वेरिएबल रहेंगे, मतलब बुलियन डेटा टाइप क्या करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा, दोनों वैल्यू ये कभी स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब ए और बी की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ट्रू और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फॉल्स। इसका यूज हमें कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, या हम कहेंगे जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे समय पे हम बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिगिनर्स, कंप्लीट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत स्लो आपको लगे, और ये सीक्वेंस में मैं बना रहा हूँ, मतलब आपको अगर कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसके पहले वाले वीडियो मेरे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।